बच्चों, कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 कंप्लीट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राइट अ स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहले हमने क्या किया था, स्टेटमेंट में से इक्वेशन लिखी थी। अब हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, हमें स्टेटमेंट लिखना है। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, x plus 7 is equals to 10। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने पीछे चैप्टर में भी सीखा है स्टेटमेंट्स बनाना, तो ये हमारे लिए कोई नई बात तो है नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा समझते हैं। x plus 7 is equals to क्या दे रखा है, 10। तो देखिए x क्या हो गया, अ नंबर हो गया जो कितने से इंक्रीज हुआ, 7 से, और उसने हमें क्या दिया, 10। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 7 क्या दिया, इज 10, या फिर गिव्स 10 इक्वल्स टू 10, हम ये भी बोल सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, 3 minus x is equals to 7। तो हमने एक नया वर्ड सीखा है, एक्सीड्स। क्या सीखा है, एक्सीड्स। तो 3 ने क्या एक्सीड किया, x, तो उसे क्या मिला, 7 मिला। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 एक्सीड, b वाला है, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 एक्सीड x, या फिर 3 एक्सीड अ नंबर, क्योंकि हम x को x तो लिख नहीं सकते भैया, नंबर तो कुछ भी लेट हो सकता है, तो अ नंबर बाय कितना, 7। इज दैट क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं, सी वाला अब आप कर लेंगे, अ नंबर एक्सीड्स 7 बाय 5। अब ये देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अ नंबर डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 7। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ई, 2 टाइम्स अ नंबर एडेड टू 4, या 4 एडेड टू 2 टाइम्स अ नंबर गिव्स 10। आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ आप उसको वैसे ही नेम करें, ज़रूरी ऐसा नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज एडेड, या फिर अ नंबर इज एडेड टू 11, या अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 11 इज इक्वल्स टू 7। एक नंबर जो 11 से इंक्रीज हुआ, क्या दिया उसने हमें, 17 नंबर दिया। समझ में आया, तो अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 11 गिव्स 17। इज दैट क्लियर टू यू। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 अपने कॉपी में करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन दैट द रूट ऑफ दिस इज x इज इक्वल्स टू 3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको वेरीफाई करना है कि इस जो इक्वेशन है इसका जो रूट है वो यही है। तो भाई कैसे पता चलेगा इसका रूट यही है, तो अगर हमारी इक्वेशन सॉल्व करने में x की वैल्यू अगर हमने 3 लगाई इस इक्वेशन में और हमारा आंसर करेक्ट आता है, मतलब 0 इक्वल होता है या फिर LHS RHS इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब ये इसका रूट है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम देखते हैं क्या इक्वेशन दे रखा है, 3 plus 2x is equals to 9। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 plus 2x is equals to 9। ठीक है, अब हमको क्या करना है बच्चों, हमें वैल्यू पुट करनी है x की इस इक्वेशन में 3। क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है 3। तो यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। अब करते हैं, इक्वेशन है हमारी 3 plus 2x is equals to 9। अब हमें क्या करना है, 3 को रखना है x की जगह, 3 plus 2 into 3 is equals to 9, 3 plus 6 is equals to 9, 6 plus 3 9 is equals to 9। इसका मतलब जो ये हमारे x की वैल्यू दे रखी है ये रूट है इस इक्वेशन का। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस x इज इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ
गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, इज दैट क्लियर टू यू? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको फिर से एक वैल्यू दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें आपको इस वैल्यू को पुट करना है। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलिए अब आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो है, अब हम यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इक्वेशन आपको दे रखी है बच्चों 5x-8 इज इक्वल्स टू 2x-2 और यहाँ पे आपको x की वैल्यू देनी है 2। x की वैल्यू आपको क्या लिखनी है? 2 रखनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 5x-2-8 इज इक्वल्स टू 2x2। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कॉलम भी लगा सकते हैं, 2x2-2। तो 5x2 कितने हो गए? 10-8 इज इक्वल्स टू 4-2। 10-8 इज इक्वल्स टू 2। 4-2 इज इक्वल्स टू 2। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। Hence, x इज इक्वल्स टू 2 इज द वैल्यू, इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इज दैट क्लियर टू यू? तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 8.1। इसके होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 अपनी कॉपी पे करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का भी कुछ पढ़ते हैं आप, या ये तो बहुत थोड़ा सा होमवर्क है और इतना थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको दूंगी नहीं, तो कुछ ज़्यादा सा होमवर्क करने के लिए मैं कुछ ज़्यादा सा कुछ पढ़ाती हूँ अभी आपको, लेकिन हाँ समझना है, होमवर्क के लिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय सिस्टमेटिक मेथड। अब आप कैसे अपनी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं बाय सिस्टमेटिक मेथड से? तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज। एन इक्वेशन कैन बी कंपेयर विद अ वेइंग मशीन। तो एक जो इक्वेशन होती है वो हम कंपेयर करते हैं एज अ वेइंग मशीन। तो आप अगर लॉजिकली देखें तो देखिए, एक ये वेइंग मशीन है, LHS है एक जगह लेफ्ट हैंड साइड पे और RHS है राइट हैंड साइड पे। तो अभी आप देखते हैं कि अगर हमारी वैल्यूज़ ये लिखी रखी हुई होती हैं, जब तक हमें पता नहीं चलता है तो ये अप डाउन होता रहता है, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है तो या तो ये अप हो जाता है, या तो डाउन हो जाता है, या फिर इक्वल हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा तराजू जो है वो इक्वल लेवल पे है या ऊपर नीचे, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। टू पेंस रिमेन इन बैलेंस इफ इक्वल वेट्स आर पुट इन देम। दो वेट्स हमेशा इक्वल रहेंगे या बैलेंस में रहेंगे अगर हम उसमें इक्वल वेट्स डालें। वेट्स आर पुट इन देम और टू पेंस रिमेन इन बैलेंस इफ देयर वेट्स आर रिमूव इन देम। अगर वो उनमें बैलेंस क्या रहेगा, इधर उधर हो जाएगा अगर उनमें क्या नहीं है, अगर उनमें जो वेट्स हैं वो अगर हम रिमूव कर दें तो। आगे है, सिमिलरली इन केस ऑफ इक्वेशंस, ऐसा ही होता है इक्वेशंस के केस में, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हम क्या करते हैं, हम या तो नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, भाई अगर इसमें भी ज़्यादा है इसमें भी ज़्यादा तो मैं कुछ ऐसा नंबर कम कर दूंगी कि दोनों में इक्वल हो जाए। ऐसी इक्वेशन में होता है या तो हम ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होती है हमारी इक्वेशन की दोनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। लेकिन हाँ, नंबर आपको सेम ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है LHS में RHS में। ऐसा नहीं है LHS में आप 4 ऐड कर रहे हो और RHS में आप 8 ऐड कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आगे, वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द सेम नॉन जीरो नंबर टू बोथ द साइड ऑफ एन इक्वेशन। तो ज़रूरी नहीं है आप ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करें, आप मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं अपनी उसी गिवन इक्वेशन से। लेकिन आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से दिमाग में रख लेनी है, जो आप भी करेंगे, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, आपको एक ही नंबर LHS और RHS में से लेना होगा, मतलब डालना होगा। ये नहीं है आप LHS में कुछ और कर रहे हैं, RHS में कुछ और कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम बहुत अच्छे से और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, सॉल्व द इक्वेशन y-3 इज इक्वल्स टू 5। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब आपको सिस्टमैटिक मेथड से करना है, तो थोड़ा मेथड अपना फॉरवर्ड कर लीजिए, क्या करें कि हमारा जो भी है आंसर आ जाए। तो कैसे आएगा, ऐड 3 टू बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब इन्होंने क्या किया, 3 ऐड कर दिया
दोनों साइड ऑफ द इक्वेशंस में, LHS में भी और RHS में भी। तो इससे क्या हुआ, जब हमने यहाँ 3 ऐड किया और यहाँ पे भी 3 ऐड किया, तो ये -3 प्लस 3 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ y, और यहाँ क्या आ गया, 8। तो y का आंसर क्या आ गया, 8। तो मतलब आपको दिमाग चलाना है कि कैसा ऐसा मेथड हम लगाएं, कौन सा ऐसा नंबर लगाएं कि हमारा आंसर सही हो जाए। दोनों तरफ एक ही नंबर लगाना है, LHS से RHS में कुछ ट्रांसफ़र नहीं करना है अभी, और RHS में RHS से LHS में भी कुछ ट्रांसफ़र नहीं करना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, सॉल्व द इक्वेशन 4x इज इक्वल्स टू 28। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो वो मैं कैसे लाऊंगी, अगर मैं दोनों जगह 4 का डिवाइड कर दूँ, तो मुझे ये भी देखना होगा क्या RHS 4 से डिविजिबल है। तो देखती हूँ मैं, हाँ जी बिल्कुल है। कितने से जाएगा, 7 से जाएगा, 4 7 से 28, और यहाँ से 4 से 4 कट हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा। तो मैंने, और आपको यहाँ लिखना भी है बच्चों कि आप डिवाइड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कितने नंबर से कर रहे हैं। देखिए जैसे कि इन्होंने लिखा है, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 4। इन्होंने इक्वेशन के दोनों पार्ट को किससे डिवाइड किया, 4 से। तो इन्हें क्या मिला, 4 से ये चला गया, ये 4 से ये चला गया, तो ये क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 7। क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 7। समझ में आया आपको। अब एक और मेथड है, सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। तो एक हमने मेथड पढ़ा सिस्टमैटिक, अब एक हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजिशन। ध्यान से, एग्जाम में पेपर में क्लियरली लिखा होगा कि आपको किस मेथड से करना है, वही मेथड आपको फॉलो करना है। भले ही आंसर आपका बहुत सारे मेथड से एक ही आ रहा है, लेकिन नहीं, मेथड आपको वही अप्लाई करना है, नहीं तो नंबर चले जाएंगे। इन दिस मेथड वी ट्रांसफर द टर्म्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ एन इक्वेशन एंड चेंज द साइन ऑफ द टर्म। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कुछ टर्म्स को दूसरी साइड पे, उनके साइन चेंज करते हुए। जैसे यहाँ पे अगर डिवाइड का है, तो यहाँ जाके वो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। यहाँ मल्टीप्लाई का है, तो RHS में जाके हो जाएगा डिवाइड का। सेम एज इट इज़ रहता है, RHS से कोई LHS में जाएगा। यहाँ प्लस का है तो यहाँ आके माइनस, यहाँ माइनस का है तो यहाँ RHS में आके प्लस, ठीक है। When positive term transfer to other side, it becomes negative term. हमें पता है अगर कोई positive term दूसरी side पे जाएगा तो वो negative term बन जाएगा, और कोई negative term दूसरी side पे transfer होगा तो वो positive term बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होता है multiply और divide के साथ, multiply divide बन जाता है और divide multiply बन जाता है। बस एक यही line थी तीन, जिससे आप पूरा transposition method अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए अभी एक इक्वेशन दे रखी है, 4x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो इसी एक एग्जांपल से मैं आपको पूरा समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चंस तो सारे ही एक जैसे ही होते हैं, कुछ कुछ ट्रिकी होते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए अब मैं क्या करूँ, अगर मैं अलजेब्रा वाला टर्म इधर ही लेके न्यूमेरिकल टर्म अर्थमेटिक टर्म इधर लेकर आऊँ। देखिए अगर मैंने किया 4x इज इक्वल्स टू, पहले जो है यहाँ पर उसको हम लिखते हैं, फिर लाने वाला टर्म इधर पहुँचाते हैं, और इधर मैं ले आई प्लस 7। ये माइनस का था, नेगेटिव टर्म था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। अब ये बन गया 4x इज इक्वल्स टू 2x, भाई 2x तो यहाँ पे किसी के साथ प्लस माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि x के साथ वाला जोड़ा इधर है ही नहीं। हाँ ये दोनों हो सकते हैं आपस में। 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10। अब x वाला टर्म इधर है, इधर नहीं है, तो इसकी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है, तो हम इसको इधर लेकर आएंगे। साइन क्या है इसके साथ, पॉजिटिव, यहाँ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑलरेडी 4x था, अब यह आ गए माइनस 2x, यहाँ क्या बचा 10। 4x में से 2x गए बच्चों, कितने बचे 2x, और यहाँ क्या बचा 10। अब थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगाएंगे, 2 है और x, 2x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है भाई। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा ना, तो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है 10। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है और उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पर है, तो वो यहाँ पे आके क्या बन जाएगी, डिवीज़न में आ जाएगी। मुझे यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो RHS में आके 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 5 10, तो x इज इक्वल्स टू
5. ये था आपका ट्रांसपोजिशन मेथड. आपने क्या किया, 2 को ट्रांसपोज कर दिया इधर, यहाँ पे आपने 7 को ट्रांसपोज किया. तो आपको ये चीज़ यहाँ पे बतानी है, मैंने आपको नहीं लिख के बताई है. जैसे ट्रांसपोजिंग 2x टू LHS एंड -7 टू RHS, मतलब ये चीज़ आपको बताते चलनी है. ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही. अब आप अपना होमवर्क शुरू से आखिरी तक समझिए. एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 करने हैं, और एक्सरसाइज 8.2 में आपको क्वेश्चन नंबर वन के सारे पार्ट्स सिस्टमैटिक मेथड से करने हैं. किस मेथड से करने हैं? सिस्टमैटिक मेथड से. चाहे जिसका आपका नहीं आ पा रहा है तो आप ट्रांसपोजिशन भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कोशिश कीजिएगा कि आप सिस्टमैटिक मेथड से ही कर पाएँ, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है, नंबर भी सोचना होता है, इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ. ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.